दोस्तों ये अपना जीटी रोड है, जो NH 91 भी बोलते हैं जिसको, दादरी और बुलंदशहर वाला जो रोड है, लाल कुएं से आप आते हैं तो 5 किलोमीटर बैठता है, और जीटी रोड से मात्र 500 मीटर की दूरी पे हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि NH 91 से 500 मीटर अंदर आ जाता है। ये कोठियां बनी हुई है, ये हमारे विलाज हैं जो हम सामने बना रहे हैं 72x72 गज में, जो कि बहुत ही अच्छे रेट में आ जाते हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉप हाउसिंग इंफ्रा। ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये आपका जीटी रोड है, जो कि NH 91 भी बोलते हैं, और इसी रोड पर जब आप चलते हैं तो NH 91 से अंदर की तरफ ये अछेजा का गेट आ जाता है, जो कि मेन NH 91 है। लाल कुएं से आएंगे, 5 किलोमीटर बैठता है, नोएडा एक्सटेंशन से भी आ सकते हैं आप। ये जैसे ही अछेजा गेट के लिए एंटर करते हैं तो सीधा ये मारीपत की तरफ ये रोड जाता है अपना, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में निकल जाता है। तो दोस्तों इस रोड पर जब हम सीधे चलते हैं तो इस पर आप देखेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपको यहाँ बैटरी रिक्शा मिल जाएगा और बाकी ऑटो वगैरह भी मिल जाते हैं। यहाँ से आप चाहें तो नोएडा एक्सटेंशन निकल जाते हैं, मात्र 7 किलोमीटर में आप नोएडा एक्सटेंशन पहुँच जाएंगे, जो कि 15 से 20 मिनट लगते हैं आपको एक मूर्ति। और दूसरी चीज़, यहाँ से अगर आप पैदल भी जाएंगे तो मेरे प्रोजेक्ट पे 500 मीटर की दूरी है मेन जीटी रोड से। ये आप लाइन से देखेंगे तो बढ़िया बढ़िया कोठियाँ बनी हुई हैं, बेसिकली यहाँ बड़े बड़े प्लॉट्स हैं तो सबने ज़्यादातर कोठियाँ बनाई हैं, तो आपका कनेक्टिंग रोड बहुत ही शानदार, आपको लगेगा कि कहीं आप जा रहे हैं किसी सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे इन कोठियों के पास में ही, इनके सामने ही हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि आपको बाहर मेन रोड से ही दिख जाएगा। आप देख सकते हैं सामने ही हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है, जिसमें ये बाहर आपका ट्रांसफार्मर वगैरह लगा हुआ है, और यही रोड आपकी सीधी नोएडा एक्सटेंशन चली जाती है एक मूर्ति की तरफ। ये आप देख रहे हैं सामने जो आपकी सोसाइटी दिख गई होगी। तो बेसिकली अभी हम जैसे ही एंटर करते हैं, ये लोगों ने अपने मकान बनाए हुए, फेज 1 में हमने बेसिकली प्लॉट दिए थे लोगों को, तो प्लॉट लेके लोगों ने काफ़ी मकान बनाए अपने, बाकी कुछ लोगों ने छोड़े हुए भी हैं। बाकी यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है, आप अपना मकान बनाइए और अपना मीटर अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी मीटर यहाँ बेसिकली आता है। अगर मैं रोड की बात करूँ तो रोड पे मिट्टी वगैरह डल के और पत्थर वत्थर डल चुका है, काफ़ी तेज़ी से यहाँ काम चल रहा है, तो रोड यहाँ बन के टूट भी चुका है, अब दोबारा यहाँ रोड बनेगा। आप सामने देख रहे हैं लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, 10 से 12 फैमिली ऑलरेडी यहाँ पर रह चुकी है, क्योंकि रह रही हैं आज के टाइम पर। और बाकी अगर ए ब्लॉक की बात करूँ तो पूरे ब्लॉक के अंदर करीब 40 से 45 प्लॉट थे, जो कि पूरे सोल्ड आउट है, रजिस्ट्री हो चुकी है। अभी हम आ चुके हैं बी ब्लॉक में, ये हमारे विलाज है जो बी ब्लॉक में हम बना रहे हैं। तो बी ब्लॉक में बेसिकली डेवलपमेंट ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि हम विला बना के ही दे रहे हैं, तो यहाँ जो प्लॉट लिए हैं लोगों ने वो लिमिटेड है। बाकी ये 72 गज का विला है और इसके सामने हम बेल्ट बना रहे हैं 66 गज की। ये आपका 72 गज वाले का लेआउट था, जिसमें आपको 2BHK ग्राउंड फ्लोर पे बना के दे रहे हैं, मॉड्यूलर किचन और POP वगैरह करके। पार्किंग आपकी दिख जाती है सामने ही आपकी, उसके बाद ये आप देखेंगे तो एंटर करेंगे सामने ही स्टेयर्स आ जाती है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या है, कल आप चाहें तो ऊपर भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो नीचे आप रह के ऊपर आप रेंट आउट कर सकते हैं। इधर की तरफ इंडस्ट्रीज वगैरह काफ़ी हैं, जैसे आपने देखा होगा हीरो की हो गई, चावल मिल हो गया, बाकी आप दादरी इंडस्ट्रियल एरिया, नोएडा सेक्टर 62, तो रेंट अच्छा खासा आ जाता है। ये आपका अगर आप देखेंगे तो लिविंग डाइनिंग एरिया है, जैसे ही हम एंटर करते हैं अपने विला के अंदर, तो ये हमारा लिविंग डाइनिंग एरिया बेसिकली, इसमें POP वगैरह करके पूरा कंसीप्ट लाइट्स लगा के कंप्लीट करके देते हैं, और जो कि अच्छा खासा हो जाता है। अभी ये 50% इसका इंटीरियर हुआ है, बाकी होगा काम तो कम्प्लीट होगा और अच्छा लगेगा। ये पुरानी वीडियो भी, ये हमारा वॉशरूम है ग्राउंड फ्लोर पर जो हम बना के देते हैं, ठीक है, इंडियन वेस्टर्न जो आपको ठीक लगे वो आप लगवा सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे, साढ़े ग्यारह बाय 12 का बेडरूम है। इसके साथ में अटैच एक विंडो भी है पीछे शाफ्ट, तो वो वेंटिलेशन के लिए बेसिकली। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूँ तो सारी चीज़ें जेन्युइन लगाई हुई है इसमें, इसके अंदर भी POP कॉन्सेप्ट लाइट्स वगैरह सब कुछ करके देते हैं। ये अपना किचन आ जाता है सामने जो आप देख रहे हैं, तो ये किचन बेसिकली हम मॉड्यूलर किचन बना के देंगे पूरा इसमें। सामने अगर आप देखेंगे तो ये हमारा सेकेंड बेडरूम है, रूम का साइज आ जाता है 11.5 बाय 10.5 का। तो ये 2 बेडरूम हो गए हमारे मॉड्यूलर किचन के साथ और POP पार्किंग के साथ। दोस्तों इसका रेट आ जाता है 72 गज का 31,50,000, और सेम इसी में 66 गज अगर आप देखते हैं तो 66 गज का रेट आ जाएगा आपका 27,50,000। दोस्तों अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, एक दो इन्वेंट्री हमारे पास बची हुई है जिनका रेट आ जाता है करीब 23,000 रुपये गज के हिसाब से।